यारो, आज की खबर सुन के तो आप खुश होने वाले हो। आज मैं बात करने वाला हूँ एंडो गालफ्रेट के बारे में, जो कि आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर में दोबारा से देखने को मिलने वाले हैं, वो भी एकदम कंफर्मेशन के साथ। और ऐसी खबर आती है तो भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना किसी इंट्रो के सारे अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो एंडू गालफ्रेट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद हमें काफी टाइम बाद देखने को मिले स्पाइडरमैन नो वे होम में, जो कि एक मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट के साथ हमें देखने को मिले। सबको ये काफी ज्यादा पसंद आया और हर कोई एक्साइटेड था वो वाला मोमेंट देख के जब नेड अपनी जादुई फिंगर से पीटर को वापस लाता है, यानी कि हमारे एंडू और टॉबी मैग्वायर। तो अभी यहाँ पे हाल में सिर्फ बात करने वाला हूँ एंडू गालफ्रेट की एज ए स्पाइडरमैन, जो कि आने वाले टाइम में हमें अपनी एक पर्सनल मूवी में तो नहीं, ये कंफर्म हो चुका है, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तो देखने को नहीं मिल सकती है, बट आने वाले टाइम में दी सीक्रेट वॉर, स्पाइडर वर्स और भी जितनी मूवीज होंगी सोनी की, उनमें एक कैमियो के तौर पर देखने को मिल सकता है और प्रॉपर एक फाइटिंग का सीन हो सकता है। तो ये कन्फर्मेशन कहाँ से मिली? मेरे कई सालों के सोर्स के माध्यम, यानी कि डैनियल आरपी के भाई, उन्होंने फाइनली कन्फर्म कर दिया है कि वो आपको सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेंगे। उन्होंने ये ट्वीट करा, कांट वेट टू सी एंड्रू गालफ्रेट एज स्पाइडरमैन फाइटिंग एलियंस इन सीक्रेट वॉर एंड ही इज लाइक फाइनली। फिर उसके बाद एक और ट्वीट करा मैट ने, तो होप जैसा कि इन दोनों ने बोला है और मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों पर, और आने वाले टाइम में हमें एंड्रू गालफ्रेट सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेंगे एलियन से लड़ते हुए। जी हाँ, ये तो आज के दिन कन्फर्म हो चुका है। तो गाइज, आप क्या उम्मीद रखते हैं सीक्रेट वॉर में क्या क्या हो सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।